हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 5 से 7 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट है। वहीं मौसम विभाग ने 8 और 9 अगस्त को भी हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। अभी तक के मानसून में सबसे ज़्यादा बारिश शिमला में हुई है, उसके बाद कुल्लू, बिलासपुर, सोलन इन इलाकों में एक्सेस रेनफॉल हुई है। और बाकी भी जो जिले हैं वहाँ सामान्य बारिश है। सिर्फ लाहौल स्पीति एक ऐसा जिला है जहाँ पे सामान्य से कम बारिश हुई है। और अभी मानसून कंटिन्यू करेगा, जैसे बारिशें चल रही हैं लगभग पूरा अगस्त जो है संभावना है कि बारिशें बीच बीच में रहेंगी। और नेक्स्ट वीक जो है उसमें भी बारिशें बीच बीच में मिलेंगी। कुछ हैवी रेनफॉल स्पेल भी एक आध आ सकता है, जैसे लोअर मिड हिल्स में जिले हैं। और इसके साथ साथ में ये भी संभावना है लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जो ऊपर के जिले हैं, जो कि जहाँ पे मानसून यूजली कम होती है वहाँ पे भी संभावना है कि कुछ लाइट टू मॉडरेट बारिश हो सकती है। और इससे जो है जो भी मानसून के असर होते हैं जिसमें फॉग आता है, जैसे हिली एरिया में विजिबिलिटी कम हो जाती है, अचानक लैंडस्लाइड की संभावना है, फ्लैश फ्लड की भी ज़्यादा संभावना है जिसमें लाहौल स्पीति वगैरह किन्नौर इन इलाकों में भी है। क्लाउड बर्स्ट भी ऑन एंड ऑफ जुलाई एंड अगस्त ऐसे महीने जब आते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है इसके लिए सब चीज़ें हैं जिसका ये रेनफॉल से असर होगा। और उसके बाद फिर जो है सितंबर में भी मानसून रहता है करीब करीब। आजकल तो यह है कि पिछले कुछ सालों से सितंबर के बाई एंड और सितंबर या अक्टूबर में मानसून जाता है, तो अभी जो है करीब करीब जो है 1.5 महीना मानसून का संभावना है कि बारिशें और मिलेंगी। और ओवरऑल मानसून लेवल काफ़ी अच्छा है इस साल, जुलाई का काफ़ी अच्छा है। जैसे पहले बताया सामान्य चल रहा है प्रदेश की जो मानसून है, और आगे भी संभावना है कि ये मानसून की बारिश सामान्य रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।